हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परमार होममेड में। और आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर पतीली रखी हुई है और पतीली में थोड़ा सा पानी लिया है। और सबसे पहले जो हम पालक ली है उसे उबाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक कटोरी भर के पालक ली है और पालक को सबसे पहले हम उबाल लेते हैं। और दोस्तों इसे हम करीब मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 2 मिनट के लिए उबालेंगे, ज़्यादा उबालेंगे नहीं। इसे करीब 2 मिनट के लिए इस तरह मीडियम फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से उबाल लेते हैं। और ये दोस्तों 2 मिनट हो चुकी है और देख सकते हैं जो पालक है अच्छे से उबल गई है। बहुत ज़्यादा इसे उबालना नहीं है हमें। दोस्तों ज़्यादा उबालने से इसका जो कलर है बहुत ही डार्क आने लगता है। सो इसे अभी हम 2 से 2.5 मिनट तक ही उबालेंगे। अभी गैस फ्लेम को कर देंगे बंद। और ये पालक है इसे हम दोस्तों मिक्सर जार में निकाल लेते हैं इस तरह के। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो पालक है इसे हमने मिक्सर जार में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पालक हमारी ठंडी हो रही है, तभी चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर। और यहाँ पर हमने पैन को पहले से मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और अभी हम इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और साथ में इसमें प्याज डालेंगे और अदरक और लहसुन भी ऐड करेंगे। और साथ में 1 टब टमाटर ऐड करेंगे और 2 यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है वो ऐड कर रहे हैं। और सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इस तरह कुक कर लेंगे। जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक इस तरह हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इस तरह मिलाते हुए कुक कर लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं अच्छे से कुक हो गई है और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया है। और अभी हम गैस स्टोव को कर देते हैं बंद और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ही ठंडा हो जाए बाद में ही इसे हम पालक के साथ मिक्सर जार में लेंगे और उसकी प्योरी बना लेंगे। दोस्तों पालक पनीर बनाने में 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। जब हम पालक को उबालते हैं तब उसे मीडियम फ्लेम पर रख के ही 1 से 2 मिनट तक ही उबालना होता है। बहुत ज़्यादा उबालने से इसका जो कलर है वो बहुत ही डार्क आने लगता है। और दोस्तों ये जो हमने प्याज और सभी चीज़ों को अच्छे से कुक किया है उसे भी हमें गर्म गर्म प्योरी नहीं करनी है। इसे हमें पहले अच्छे से ठंडे हो जाने देना है। ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाए बाद में हम इसको प्योरी करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं। और इसे अभी हम जो हमने पालक को मिक्सर जार में लिया था वही जार में ले लेंगे सभी चीज़ों को। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिक्सर जार में ले लिया है और ये बिल्कुल ही ठंडा है। और ठंडा होने पर ही इसे हम क्रश करते हैं, इसको प्योरी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी प्योरी बना लेते हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने अच्छे से इसकी प्योरी बना ली है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पर हमने पैन को पहले से ही लो फ्लेम पर रखा हुआ है जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा हल्का सा ऑयल तो है। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और दोस्तों ऑयल जो है हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अभी हम इसके अंदर जो हमने प्योरी तैयार की है वो ऐड करेंगे। अभी हम इसमें सभी पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, साथ में चुटकी भर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम इसमें पालक पनीर का गरम मसाला पाउडर जो आता है वो ऐड करेंगे। ये करीब हम 2 से 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं। इससे जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अभी हम गैस की फ्लेम को लो पर रखकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया था जिसे हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया था वो ऐड कर रहे हैं। और जो गैस की फ्लेम है वो लो पर ही रखेंगे और पनीर को भी अच्छे से मिला लेते हैं मसालों के साथ। अभी हम दोस्तों पालक पनीर को लो फ्लेम पर रखते हुए 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स सी आफ्टर सम टाइम।
अरे दोस्तों, 1 मिनट हो चुकी है और देख लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है पालक पनीर की, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से कुक हो गई है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अभी हम इसके ऊपर से थोड़ा सा पालक पनीर का गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, करीब आधा चम्मच। दोस्तों ये लास्ट में ऐड करने से इसका जो टेस्ट है काफ़ी एनहांस हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए अभी हमने थोड़ा सा ऐड किया है। और इस तरह इसे मिला लेते हैं। और ये फाइनली दोस्तों जो हमारी रेसिपी है पालक पनीर की तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। अभी हम गैस स्टोव को कर देते हैं बंद। और ये फाइनली ये जो रेसिपी है हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। इसके ऊपर से थोड़ा सा अभी हम पनीर इस तरह छीन कर डालेंगे, अच्छे से इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह इसे डेकोरेट करने से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और फाइनली दोस्तों जो हमारी रेसिपी पालक पनीर तैयार है सर्व करने के लिए, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि ऐसे ही वीडियो के अपडेट आपको रोजाना मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। थैंक यू फ्रेंड्स।